तो हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है मैंने जी लाइसेंस के लिए बनाया है, इसमें ये है कि मैंने बहुत सारे रिसर्च करे थे कि कौन से लोकेशन से मुझे एग्जाम देनी चाहिए, और मुझे दो लोकेशन ऐसे मिले ओंटारियो के अंदर, जैसे पहला है चैथम कैंट और दूसरा है क्लिंटन। ये दो जगह पे पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है, लोग जल्दी से मतलब उनके फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर ही पास हो जाते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाती है उनकी। तो मैंने क्लिंटन चूज किया और क्लिंटन सबसे बेस्ट है, वहां के जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी है, आपको 50 और 80 की स्पीड पकड़नी पड़ती है और कुछ भी नहीं है। इस जगह पे तीन चीजें याद रखनी होती है, पहले वो सबसे ज्यादा आपकी स्पीड को चेक करेंगे, बाकी पूरे एरिया में 50 किलोमीटर ही है तो आपको टेंशन नहीं है। और दूसरा, हाईवे मर्ज करने के टाइम पे लेन चेंज करनी पड़ती है, तब आपको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, तो उसके अराउंड आपको स्पीड मैच करने के बाद लेन चेंज करनी है। और तीसरा है थर्ड पॉइंट टर्न, मतलब थ्री पॉइंट टर्न वाला। तो ये तीन चीजें जो याद रखनी पड़ती है, और कुछ भी नहीं है क्लिंटन के अंदर, और बहुत सारे लोग इजीली पास हो सकते हैं। बट ये मैं पूरे 21 मिनट का जो वीडियो दिखाया गया है उसके बाद वो वीडियो के अंदर मैंने रोड मैप दिखा दिया है कि कैसे वो एग्जाम लेते हैं। तो आप जब भी कोई डेट बुक करते हो तो उसके एक घंटे या दो घंटे पहले चले जाओ और वहां जाके प्रैक्टिस करो। मैंने जो वीडियो में दिखाया वही स्ट्रीट सारी सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो स्ट्रीट के पास जाके आप फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा। एग्जाम पेपर आपके हाथ में ही आ गया, समझ लो वही चीज है, देख लो और एक बार ट्राई करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्ट्रक्टर तुमको वही जगह से लेके जाएगा और आई थिंक पास हो जाओगे, बड़ा इजी है। सो बेस्ट ऑफ लक जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं, ये उनके लिए अगर क्लिंटन में बुक करते हो उसके लिए वीडियो है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक और पूरा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा एंड तक। First street left. Take First Street right. First street left.
First street, turn right.
सो यहाँ पे गाड़ी को मुझे राइट साइड पे पुल ओवर करना है, ठीक है। पर एक बात जरूर याद रखना कि गाड़ी को कम्प्लीटली स्टॉप करना है, ठीक है। स्टॉप करने का मतलब गियर चेंज करना है, ड्राइविंग से सीधा पार्किंग में डाल देना है। सो इंस्ट्रक्शन ने यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट टर्न लेने को बोला है। तो आपको पहले कार देखनी है, कोई दोनों साइड देखना है, पीछे भी देखना है और ब्लाइंड स्पॉट की तरह देखना है, चेक करना है नहीं आ रही, फिर टर्न लेना। अगर आपको सेफ लग रहा है फिर आप टर्न लेना, ठीक है। सेफ नहीं है मत लेना, मेक श्योर। सो ये जो पार्ट है ना वो बहुत ही क्रूशल पार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो नोटिस करेंगे कि आप कैसे टर्न लेते हो और कितनी स्पीड मेंटेन करते हो। टर्न के अंदर आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करनी है, मतलब स्लोली आगे बढ़ना है। पर जैसे ही आपको टर्न मिल जाता है तो आगे जाके तब तक लेन चेंज नहीं करनी जब तक आपकी स्पीड 75 से 80 के बीच में नहीं रहती। यहाँ आपने 30 की स्पीड ली, फिर उसको गाड़ी को भगाना है और आगे भगा के 75 से लेके 80 की स्पीड जब तक आपको मैच नहीं होती तब तक आपको लेन चेंज नहीं करनी है, ठीक है। जब लगे आपको कि है स्पीड फिर लेन चेंज करो शांति से व्हीकल देख के, और फिर उसके बाद तो गुड टू गो है, फिर तो स्ट्रेट ड्राइव है।
first entrance, turn left.